बात करते हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जो कि इस आईपीएल में आने से पहले ही अपनी फॉर्म को लेकर काफी परेशान थे, अब भी खराब फॉर्म से वो जूझ रहे हैं। भले ही रोहित ने 150 इस सीजन में लगाया हो, लेकिन उनकी टीम जब जब उनसे उम्मीद लगाती है एक बड़ी पारी की, तब तब वो निराश करते हैं। तो कैसे हिटमैन फ्लॉप मैन साबित हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बार के आईपीएल चैंपियन टीम इंडिया के कप्तान, जिसका बल्ला बोलता था हल्ला, अब ना कप्तानी चल रही है ना ही बल्ला। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा जिन्होंने 5 बार मुंबई को चैंपियन बनाया, वो रोहित जिनके शॉट्स को देखकर फैंस उन्हें हिटमैन बुलाते हैं, लेकिन वही रोहित इस आईपीएल में भी टीम की नैया को पार नहीं लगा पा रहे। रोहित मैच दर मैच फ्लॉप साबित हो रहे हैं और टीम को सबसे ज्यादा जब जरूरत होती है तभी विकेट गंवा कर पवेलियन लौट जाते हैं। कुछ ऐसा ही कल गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में हुआ, जब रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। गुजरात के खिलाफ जब मुंबई को 200 से ज्यादा का स्कोर डिफेंड करना था, तब टीम को दरकार थी मजबूत शुरुआत की, जिसका जिम्मा रोहित शर्मा पर था, लेकिन वो एक बार फिर टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। रोहित शर्मा ने गुजरात के खिलाफ मैच में 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए और हार्दिक पांड्या को अपना विकेट दे बैठे। रोहित का फ्लॉप शो आईपीएल में अब कोई नई बात नहीं है, वो लगातार बल्ले से जूझ रहे हैं और सिर्फ आईपीएल नहीं, उससे पहले भी उनकी फॉर्म पर सवाल लगातार बने हुए थे। गुजरात के खिलाफ एक बार फिर रोहित के फ्लॉप होने पर सोशल मीडिया पर फैंस ने भी खूब आलोचना की। रोहित के अगर इस आईपीएल में प्रदर्शन की बात करें तो रोहित के इस सीजन में 7 मैचों में 25.85 की औसत से सिर्फ 181 रन है और अब तक उन्होंने एक ही हाफ सेंचुरी लगाई है, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। रोहित का आईपीएल में ये फ्लॉप शो लंबे समय से चल रहा है। रोहित शर्मा ने आईपीएल के पिछले 28 मुकाबलों में सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है। सिर्फ बैट से ही नहीं, कप्तानी में भी रोहित शर्मा लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। जिस मुंबई के पास बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, वो मुंबई इंडियंस का इस सीजन में प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है, जिसमें उसने अपने खेले 7 मैचों में से 3 जीते और 4 मैच हारे हैं। बार बार हार झेल रही मुंबई की टीम पर रोहित की झल्लाहट मैदान पर भी देखी जा सकती है। गुजरात के खिलाफ हुए मुकाबले में वो पीयूष चावला पर बेहद गुस्सा करते भी नजर आए थे। रोहित की इस हालत को देखते हुए अब क्रिकेट के दिग्गज उन्हें ब्रेक लेने की सलाह देने लगे हैं। टीम इंडिया के दिग्गज पूर्व बल्लेबाज गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा को आईपीएल से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार रखना चाहिए। चाहे वो आईपीएल के लास्ट के कुछ मैचों के लिए टीम से वापस जुड़ जाएं, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को समय देना चाहिए। रोहित की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। ऐसे में रोहित की फॉर्म टीम इंडिया के फैंस के लिए भी बड़ी चिंता बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।